नेक्स्ट एल्गोरिथम हमारी है सी स्कैन एल्गोरिथम। ये हमारी सिमिलर है एस स्कैन एल्गोरिथम की तरह, बस इसमें एक चीज़ हमारी नई इंट्रोड्यूस हो जाती है कि नीड ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की नीड होती है हमें कि वो लोएस्ट की तरफ जाएगा कि हाईएस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें सीक्वेंस वही दिया है, इनिशियल पॉइंट हमारा 53 दिया है। ठीक है, अब आइए इसको न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब इसमें ये सोल्यूशन कैसे आया, इसमें हमें जो डायरेक्शन दिया है वो हाईएस्ट दिया है, तो 53 का जस्ट हाईएस्ट कौन सा है, 65। देन ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, 183 तक था हमारे क्वेश्चन पे। अब जब 199 पे क्यों आया, क्योंकि एस स्कैन में जब हम जिस डायरेक्शन पे जाते थे उसके हाईएस्ट मतलब लास्ट पॉइंट तक जाते थे, तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा 199 है। अब यहाँ पे चेंज आ रहा है हमारा, अब मेन सी स्कैन एल्गोरिथम क्या बोलती है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा किसी भी साइड का लोवेस्ट या हाईएस्ट का, उसके बाद हम उसके अपोजिट के लोवेस्ट में जाएंगे, मतलब यहाँ पे ज़ीरो पे आएंगे। अगर हम ज़ीरो पाए होते तो हम 99 पे आते, 199 पे हैं तो ज़ीरो पे आएंगे, मतलब दोनों साइड के जो है हमारे बॉर्डर्स टच होंगे। ठीक है, अब उसके बाद ज़ीरो के बाद हमारा 14 है तो 14 आ गए, 37 है तो 37 पे आ गए। मेन पॉइंट ये है कि जो भी साइड हमने चुनी उस साइड के लास्ट पॉइंट तक आए, देन उस लास्ट पॉइंट पे आने के बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन के लास्ट पॉइंट पे हम लोग गए, देन हमने अपना फिर से रिक्वायर्ड ट्रैक पे जाना शुरू किया। ये हमारा हेड मूवमेंट निकालने का तरीका है, ये हम आपको हर बार बताते हैं। देन एवरेज सीक लेंथ भी हम लोग निकालते हैं, ये हमने इससे पहले के एल्गोरिथम में बता रखा है।